हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोमन रेंस को लेकर रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे पास रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर एक ऐसी अपडेट है जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या रोमन रेंस आए थे रॉयल रंबल में बैक स्टेज या फिर नहीं। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आप सबको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ब्रॉक लेसनर ने किया बैक स्टेज विंस मैकमैन के साथ। इसके अलावा फिन बैलर के साथ हुई एक बहुत ही बुरी चीज रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, और साथ ही साथ सेथ रॉलेंस ने बनाया इस रॉयल रंबल के पेपर व्यू में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड। सो गाइस, सबसे पहले इसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेथ रॉलेंस ने जीत लिया है इस साल का रॉयल रंबल मैच, और गाइस इसी के साथ साथ सेथ रॉलेंस ने बना दिया है एक रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड ये है कि वो इस रॉयल रंबल मैच के रहे हैं आयरन मैन, यानी कि जिस सुपरस्टार ने इस रॉयल रंबल मैच में सबसे ज्यादा टाइम रिंग में बिताया है वो है सेथ रॉलेंस। और गाइस, सेथ रॉलेंस ने जो इस मैच में टाइम बिताया है वो है लगभग 43 to 44 मिनट्स। यानी कि गाइस कह सकते हैं कि सेथ रॉलेंस ने रॉयल रंबल मैच जीतने के साथ साथ उस मैच में अपना रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि क्या कुछ बुरा हुआ है फिन बैलर के साथ रॉयल रंबल में। सो गाइस, वो चीज बुरा हुआ है उनके स्ट्रीक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें रॉयल रंबल के पेपर व्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और फिन बैलर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिला था, और इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया फिन बैलर को और रिटेन कर ली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस, अगर आप फिन बैलर के फैन है तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि फिन बैलर कभी भी किसी पेपर व्यू में नहीं हारे है कोई भी सिंगल्स मैच में। और गाइस, सबसे पहली सिंगल्स मैच उन्हें जिस पेपर व्यू में हारनी पड़ी वो रही रॉयल रंबल। यानी कि गाइस कह सकते हैं कि फिन बैलर के लिए रॉयल रंबल का पेपर व्यू काफी बुरा रहा, क्योंकि ना वो यूनिवर्सल चैंपियन बने, इसके साथ साथ उनकी स्ट्रीक भी टूट चुकी है जो कि थी पेपर व्यूज में सिंगल्स मैच में अनडिफीटेड रहने की। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि जुड़ी है ब्रॉक लेसनर के बैक स्टेज इंसिडेंट से। सो गाइस, आप सबको रेसलमेनिया 34 का वो मैच तो याद ही होगा जो कि हमें देखने को मिला था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में। और आप सब जानते ही है कि उस मैच में ब्रॉक लेसनर ने हरा दिया था रोमन रेंस को और रिटेन कर ली थी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जब ब्रॉक लेसनर मैच खत्म करने के बाद बैक स्टेज गए तब उन्होंने वो यूनिवर्सल टाइटल फेंक दिया विंस मैकमैन के ऊपर, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस, इसके पीछे रीजन क्या था वो तो अभी नहीं पता, लेकिन अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या रोमन रेंस थे रॉयल रंबल में बैक स्टेज या फिर नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रॉयल रंबल के होने से पहले ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि रोमन रेंस हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकते हैं भले ही वो वहां पर फिजिकल ना हो। बट अभी ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि रोमन रेंस थे ही नहीं फियोनिक्स एरिजोना में, यानी कि जहां पर हो रही थी रॉयल रंबल। यानी कि गाइस, रोमन रेंस कहीं भी नहीं थे रॉयल रंबल में मौजूद। बट अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है रोमन रेंस से रिलेटेड। तो गाइस, रेसलिंग के ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर ने कहा, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि रोमन रेंस की एक मूवी आने वाली है हॉब्स एंड शॉ, और इसी को देखकर डेव मेल्टजर ने ये चीज कंफर्म कर दी कि अभी रोमन रेंस नहीं है कोई डेंजर में ल्यूकेमिया कैंसर की वजह से। और गाइस, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि रोमन रेंस हमें उससे पहले ही रिटर्न करते हुए दिखे जैसा कि हम सब पहले सोच रहे थे, यानी कि 2 to 3 years। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको रोमन रेंस के हेल्थ रिलेटेड ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसलिए गाइस, अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको रोमन रेंस की ये अपडेट कैसी लगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।